हेलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं डीसी सर्किट का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सिंपल टॉपिक मेश एनालिसिस मेश एनालिसिस अगर आपने परफेक्ट किया तो नेक्स्ट जो थेरम्स आप लोग देखने वाले सुपर पोजिशन थेरम थेविनियन थेरम नॉर्टन थेरम ये सभी थेरम्स आपके ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएंगे क्योंकि यही मेथड्स आपको आगे सभी मेथड्स में यूज़ करना है तो स्टार्ट कर दें मेश एनालिसिस मेश एनालिसिस बेस्ड ऑन केवीएल वी क्रिच वोल्टेज लॉ Mesh analysis based on KVL, Kirchhoff's voltage law. And what is Kirchhoff's voltage law? Sum of voltage drops is equals to sum of voltage sources. Correct. So mesh analysis based on KVL. And KVL, sum of voltage drops. Sum of voltage drops. ज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस करेक्ट ये हमने स्टार्टिंग में देखा था बेसिक लॉज में so, सबसे पहले देखेंगे ये मेश क्या होता है मेश इज द पार्ट ऑफ सर्किट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी अदर लूप न नॉट बी डिवाइडेड इंटू एनी अदर लुप देन वॉट इज लूप एनी क्लोज पार्ट ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड लुप एनी क्लोज पार्ट जैसे कि एक सर्किट डाइग्राम में यहां पर ले रहा हूं ये वोल्टेज सोर्स है वी वन रेजिस्टर है यह एक सर्किट मैंने यहाँ पर लिया इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है आर वन इज आर टू आर थ्री एंड वी टू तो अगर मैंने पूछा कि इस सर्किट में टोटल कितने मेशेस हैं कितने लूप्स हैं तो कैसे काउंट करेंगे देखो मैंने लूप क्या बताया एनी क्लोज पार्ट ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड लूप सो एनी क्लोज पार्ट क्लोज पार्ट देखो यहाँ पर कौन है ये फर्स्ट क्लोज पार्ट मिला आपको करेक्ट तो फर्स्ट लूप मिल गया ये सेकेंड क्लोज पार्ट मिल गया सेकेंड लूप मिल गया ये भी तो क्लोज पार्ट ही है ना करेक्ट ये भी तो क्लोज पार्ट है जिसमें V1, R1, R3 थ्री एंड वी इतने कंपोनेंट्स हैं सो यहां पर अगर मैं आपको पूछूंगा कि नंबर ऑफ लूप्स कितना है तो आप लोग क्या बोलोगे थ्री लूप्स प्रेजेंट है यहां पर नंबर ऑफ लूप्स थ्री लेकिन अगर मैंने आपको नंबर ऑफ मेशेस पूछा नंबर ऑफ मेशेस तो नंबर ऑफ मेशेस कितना आएगा मेश इज पार्ट ऑफ सर्किट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू एनी अदर लूप मतलब मेश सर्किट का ऐसा पार्ट होता है ऐसा क्लोज पार्ट होता है जिसके अंदर और कोई क्लोज पार्ट नहीं होता है जैसे कि अगर मैं आपको पूछूंगा कि ये कौन है ये मेष हो सकता है क्या यस ये मेष हो सकता है नेक्स्ट ये क्लोज पार्ट देखो ये मेष हो सकता है यस ये भी मेष हो सकता है ये वाला क्लोज पार्ट अच्छे से देखो ये वाला क्लोज पार्ट मेष हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर दो क्लोज पार्ट आ रहे हैं ना एक क्लोज पार्ट के अंदर और क्लोज पार्ट आ रहा है तो वो मेश कैसे हो सकता है सो नंबर ऑफ मेशेस यहां पर कितना है ओनली टू ओनली टू मेशेस अब मेरे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो ये कौन है मेष है क्यों लूप नहीं है वो यस yes, ये दोनों है मेश भी है लूप भी है नेक्स्ट ये कौन है मेष भी है लूप भी है अब बताओ ये वाला क्लोज पार्ट कौन है दिस इज ओनली लूप नॉट मेश मतलब क्या एवरी मेश इज लूप बट एवरी लूप इज नॉट मेश मैंने क्या बोला एवरी मेश इज लूप एवरी मेश इज लूप बट एवरी लूप एवरी लुप इज नॉट मेश ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखो चलो तो अपने मेथड का नाम क्या है मेश एनालिसिस एंड एवरी मेश इज लूप ना तो इसको आप लोग लूप एनालिसिस भी बोल सकते हो यस yes. तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं uh, कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम आता है सॉल्व बाय यूजिंग लूप एनालिसिस बोल बोलते कि अरे मुझे तो मेश एनालिसिस पता है ये लूप एनालिसिस किधर से है सो मेश एनालिसिस लूप एनालिसिस दोनों सेम कॉन्सेप्ट है चलो नेक्स्ट सो मेष एनालिसिस स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ मेशेस यहां पर कितना है ओनली टू मेशेस है सो टू मेशेस है तो टू मेश करंट आपको यहां पर एज्यूम करना है और मेश करंट का डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज ही एज्यूम करना है मेश करंट का डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मेश करंट कैसा होना चाहिए क्लाक ही होना चाहिए क्लॉक अब कुछ लोग बोलेंगे कि एंटी क्लाक वाइज किया तो क्या होगा कुछ नहीं होगा सेम आंसर मिलेगा बस साइन चेंज होगा क्लॉक में आंसर अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लाक में निगेटिव आएगा क्लॉक में अगर निगेटिव है तो एंटी क्लॉक में पॉजिटिव आएगा तो अलग अलग डायरेक्शन एज्यूम करके क्यों कन्फ्यूज़ होना है तो हम लोग क्या करेंगे हमेशा क्लॉक डायरेक्शन ही एज्यूम करेंगे तो चलो फिर यहां पर नंबर ऑफ है टू टू मेश करंट में यहां पर एज्यूम कर रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट मेश करंट मैंने लिया यहां पर I1 वन एंड सेकेंड मेश करंट लिया I2 अब इसके बाद आपको वन बाय वन केवीएल अप्लाई करना है केवीएल फॉर मेश वन केवीएल फॉर मेश टू सो कैसे अप्लाई करना है देखो सो फर्स्ट केवीएल फॉर मेश वन अब केवियल का केवियल क्या है क्रिच ऑफ वोल्टेज लॉ क्या है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस करेक्ट इक्वल साइन के लेफ्ट साइड ड्रॉप्स है इक्वल साइन के राइट साइड सोर्सेस है चलो स्टार्ट करते फिर सबसे पहले मैं यहां पर इक्वल साइन दे रहा हूं इक्वल साइन अब इक्वल साइन के लेफ्ट साइड मुझे क्या करना है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोल्टेज ड्रॉप्स रेजिस्टर है ना सर्किट में जितने रेजिस्टर्स होते हैं उतने टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप होता है तो बताओ फर्स्ट मेश में टोटल कितने रेजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं दो रजिस्टर्स दिख रहा है एक आर वन और एक आर टू तो फर्स्ट मेश में कितने टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है टू टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सो यहाँ पर आर वन के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड आर टू के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा अब सिर्फ रेजिस्टेंस लिखने से हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा क्या नहीं वोल्टेज ड्रॉप के लिए क्या करना है करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है जो हमने बेसिक लॉज जो है ओम्स लॉ के वी एल जो वीडियो है वो एक बार आप लोग अच्छे से देखो उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि वोल्टेज सोर्स कैसा होता है वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है सो वोल्टेज ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करते हैं आई इन आर ना रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करना है सो so, यहाँ पर है रेजिस्टेंस आर और उसमें से करंट कौन सा फ्लो रहा है सिर्फ आई वन रहा है ओनली आई वन सो आर वन इन क्या आएगा

तो यहां पर आपको I1 वन माइनस आई करना है बिकॉज वी आर अपला फॉर मेश वन फर्स्ट मेश को केवल अप्लाई कर रहे हैं मतलब यहां पर आपको एज्यूम क्या करना है I1 वन इज ग्रेटर एज्यूम करना है अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ये सब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए हाँ मेश वन को केवल अप्लाई कर रहा मतलब I1 वन बड़ा है नेक्स्ट मेश टू को केवल अप्लाई कर रहा तो I2 टू बड़ा है जैसे कि कहते हैं ना हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है सेम वो लॉजिक है यहाँ पर फर्स्ट मेश को केवल अप्लाई कर रहे हो यस मेश वन का करंट बहुत बड़ा है ऐसा एज्यूम करने का सेकेंड मेश को केवल अप्लाई कर रहे हो यस सेकेंड मेश का करंट बहुत बड़ा है एज्यूम करना है चलो तो यहाँ पर आ जाओ आर टू आर टू में से आई वन एंड आई टू दोनों करंट रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थ्रू आर टू उनवर्ड्स आई टू अपवर्ड अपट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे अब क्या करेंगे ये दो वोल्टेज ड्रॉप्स मिल गया मुझे अब दोनों का क्या करना है समेशन एडिशन करना है यहां पर सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप कंप्लीट हो गया चलो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस तो चेक करो फर्स्ट में कितना वोल्टेज सोर्स है एक ही तो है V1 अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो आपने लिया है करंट का I1 का उसके डायरेक्शन में चेक करो दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करो ये राइज इन पोटेंशियल है माइनस टू प्लस जा रहे हैं हम लोग सो राइज इन पोटेंशियल है तो ये क्या आएगा प्लस वी इक्वेशन कंप्लीट हो गया चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आर वन आई वन आर टू आई वन माइनस आर टू आई टू ऐसा आएगा ना ये आर वन आई वन प्लस आर टू आई वन माइनस आर टू आई टू इज इक्वल्स टू वी वन अब ये दोनों में आई वन कॉमन है सो आर वन प्लस आर टू इंटू आई वन माइनस आर टू इं आई टू इज इक्वल्स टू वी वन ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर वन अब दो अननोन वैल्यूज है मतलब इक्वेशन भी दो आना चाहिए सो सेकंड साइमल्टेनियकेंड इक्वेशन के लिए मैं क्या second mesh करूंगा सेकंड मेश को केवियल अप्लाई करूंगा सो नेक्स्ट केवीएल फॉर मेश टू मेश टू तो यहां पर एज्यूम क्या करना है अब ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए आपके दिमाग में मेश वन के टाइम आई वन टेट टू था ना सेकेंड मेष के टाइम अब क्या आएगा आई टू ग्रेटर देन आई वन चलो फिर केविल अप्लाई करते हैं। सेकेंड मेष में चेक करो कितने रेजिस्टर्स है दो रेजिस्टर्स है आर टू एंड आर थ्री तो सबसे पहले मैंने इक्वल साइन दिया इक्वल साइन के लेफ्ट साइड आर टू लिया एंड आर थ्री लिया आर टू जो है वो मेष वन मेष टू दोनों में कॉमन है So, यहां पर अब क्या होगा I1 वन माइनस आई टू आई टू माइनस आई वन यस यहां पर क्या करना है I2 टू माइनस आई वन बिकॉज आई टू इज ग्रेटर देन आई वन सो यह आएगा I2 टू माइनस आई वन करेक्ट आई टू माइनस आई वन फिर उसके बाद R3 थ्री इंटू क्या आएगा R3 थ्री इंटू आई टू दो वोल्टेज ड्रॉप्स आपको मिल गया दोनों का क्या करना है एडिशन सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू समेज सोर्सेस वोल्टेज सोर्स देखो कितना है? एक ही तो वोल्टेज सोर्स है वी टू और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखोगे तो वी टू जो है वो फॉल इन पोटेंशियल आ रहा है देखो ना प्लस टू माइनस जा रहे हो प्लस टू माइनस तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फॉल इन पोटेंशियल माइनस वी टू जैसे यहां पर माइनस टू प्लस जा रहे थे राइजिंग पोटेंशियल था यहाँ पर प्लस टू माइनस जा रहे मतलब फॉल पोटेंशियल आएगा नेक्स्ट आर टू से अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये आएगा आर टू इंटू आई टू माइनस आर टू इंटू आई वन प्लस आर थ्री इंटू आई टू इज इक्वल्स टू माइनस वी टू चलो नेक्स्ट आई वन का टर्म पहले लिखेंगे माइनस आर टू इंटू आई वन प्लस ये दोनों में आई टू कॉमन है सो आर टू प्लस आर थ्री इंटू आई टू इज इक्वल टू माइनस वी टू यह मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर टू अब ये दो इक्वेशन हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे और हमें I1 वन एंड आई ये दो मेषकरण मिलेंगे करेक्ट सो so I1 वन एंड आई ऐसे दो मेश करंट यहां पर हमें मिल जाएंगे ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद तो इसका मतलब मेश एनालिसिस में हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं मेश करंट कैलकुलेट करते हैं मेश करंट करेक्ट जितने मेशेस होते हैं उतने मेश करंट हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं बायूजिंग मेश एनालिसिस मेष वोल्टेज ऐसे नाम का कोई नहीं होता है मेश वोल्टेज ऐसे नाम का आज तक दुनिया में कोई हुआ ही नहीं है सो मेष एनालिसिस में हम लोग हमेशा मेष करंट कैलकुलेट करते हैं ये पॉइंट अच्छे से नोट डाउन करके लो क्लियर सो मेष एनालिसिस जो है वो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे दैट्स इट थैंक यू